आप देखिए कि 2019, 20 और 21 हमारे देश के जो बॉलीवुड अभिनेता रहे हैं इनके लिए बहुत बुरा समय रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कई नामी हस्तियों को लेकर ये डूब गया है और इसमें एक नाम और जुड़ गया है। ये नाम है सिद्धार्थ शुक्ला का, और इनके चाहने वालों के लिए बुरा, एक तरह से बुरी खबर भी हो सकती है, क्योंकि आप देखेंगे कि 2 सितंबर यानी कि आज के ही दिन, आज ही जो आपके लोकप्रिय और टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक से निर्धन हो गया है। और उनकी उम्र की बात करें तो आप देखेंगे कि युवा थे, यानी कि 40 साल के थे, और उन्होंने मुंबई के कपूर अस्पताल में आखिरी सांस ली है। और आजकल आप देखिए कि वही उम्र का भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, हार्ट अटैक युवाओं को भी आ रहा है। पहले तो आप सुनते थे कि एक एज के बाद आप देखते थे बुढ़ापा आ जाता था, तो उस समय सुनते थे कि हार्ट अटैक से वो व्यक्ति, उसकी डेथ हो गई, लेकिन तो आजकल तो आप देखिए कि युवाओं की भी डेथ हो रही है। तो मुझे लगता है कि खान पीन का भी असर पड़ रहा है। फिलहाल ऊपर वाले से दुआ करिए कि इनकी आत्मा को शांति मिले और इनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति देने की शक्ति, एक तरह से शक्ति मिले, क्योंकि आप देखिए एक परिवार का मेंबर जाना बहुत बड़ा दुख होता है उस परिवार के लिए। तो हम लोग बात कर लेते हैं सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में, कुछ सामान्य जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ, इससे आपको मालूम तो हो कि आपके सिद्धार्थ शुक्ला आखिर थे कौन। ये आपको सामने स्क्रीन पर आपको फोटो दिखाई दे रही होगी, ये है आपके सिद्धार्थ शुक्ला। अगर हम लोग इनके वास्तविक नाम की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इनका वास्तविक नाम नाम सिद्धार्थ शुक्ला है, और उपनाम के नाम से, सिद्ध के नाम से इन्हें पुकारा जाता था, लोग बुलाते थे। इनका जन्म हुआ था 12 दिसंबर 1980 को, 12 दिसंबर 1980 को मुंबई महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। आप लोग यहाँ मैप पर देख भी सकते हैं, ये आपको देखेगा महाराष्ट्र, और आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र को एक तरह से फिल्मी दुनिया राजधानी भी कहते हैं आप लोग, क्योंकि अधिकतर आपके एक्टर हो ये मुंबई में ही रहते हैं महाराष्ट्र में। अगर हम लोग इनके जन्म स्थान की, आप सभी जानते हैं मुंबई महाराष्ट्र हो गया आपका। अगर हम लोग इनके पिताजी की बात करें तो आप देखेंगे कि इनका पिता का नाम अशोक शुक्ला, और माता की बात करें तो रीता शुक्ला इनकी माता जी का नाम है। और अगर हम लोग इनकी शुरुआती शिक्षा की बात करें तो आप देखेंगे कि इन्होंने की शुरुआती शिक्षा हुई है सेंट जीवियस हाई स्कूल किला मुंबई से, और आगे आप सभी जानते हैं कि कॉलेज की बात करें तो रचना संसद स्कूल ऑफ इंटीरियर डिजाइन मुंबई से इनकी विश्वविद्यालय यानी कि कॉलेज की पढ़ाई पूरी होती है, और इंटीरियर डिजाइनिंग में इन्होंने स्नातक किया हुआ था। और व्यवसाय तो आप सभी जानते हैं कि अभिनेता और मॉडल थे। अगर हम लोग इनके पसंदीदा अभिनेता की बात करें तो सलमान खान हो गया, अमिताभ बच्चन हो गए, और शाहरुख खान भी। और पसंदीदा अभिनेत्री की बात करें तो श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, और पसंदीदा स्थल की बात करें तो जर्मनी और स्पेन रहा है। अब बात करते हैं सिद्धार्थ शुक्ला के करियर की यानी कि सफर की, क्योंकि आप जानते हैं कि इन्हीं वजहों से आप लोग जानते भी इन्हें कि इन्होंने किस तरह से अपना जो भी अभिनेता के रूप में रोल निभाया हुआ है, उन्हीं वजह से आप लोग उनके फैन रहते हैं या उन्हें पसंद करते हैं। तो सिद्धार्थ शुक्ला ने टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा 2008 में, और इन्होंने टेलीविजन के शो बाबुल का आंगन छोटे ना से अपना टेलीविजन करियर शुरू किया, और इसके बाद इन्होंने जाने पहचाने सीरियल ए अजनबी लव यू जिंदगी और इन टू टेलीविजन सीरियल में, इन दो मतलब सीरियल में शुरुआत में काम किया। एक तो आपकी बाबुल का आंगन छूटे ना से, और दूसरा था आपका ए अजनबी और लव यू जिंदगी। तो यहाँ से ही अपने करियर की शुरुआत करते हैं। और 2012 में सिद्धार्थ ने कलर्स पर प्रसारित होने वाली फेमस सीरियल बालिका वधू में शिवराज शेखर का एक अहम किरदार भी निभाया है, और यहीं से इन्हें इन्हें टेलीविजन जगत में ख्याति यानी कि प्रसिद्धि प्राप्त होती है। सन 2013 में सिद्धार्थ ने झलक दिखला जा में भी अपने जलवे दिखाए, और इसके अलावा सिद्धार्थ ने पवित्र रिश्ता में भी गेस्ट का रोल अदा किया हुआ था। अब बात करते हैं इनकी, अगर फिल्मी करियर की बात करें तो हाल ही में सिद्धार्थ ने करण जौहर के प्रोडक्शन धर्मा के लिए हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया मूवी में सपोर्टिंग एक्टर का रोल प्ले किया था, और जिसके लिए उन्हें स्टार डस्ट अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था।
अब जब भी आप देखिए किसी क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं तो आपको वो क्लियर सी बात है कि वो सामान्य तौर पर आपको सम्मान भी दिए जाएंगे, तो इन्हें भी सम्मान मिला था। और इस मूवी में सिद्धार्थ के काम को काफी सराहना भी मिली थी। इसके अलावा अन्य दो फिल्मों के लिए भी सिद्धार्थ ने धर्मा प्रोडक्शन के साथ डील साइन की है। एक तो आप देखते हैं कि करण जौहर चलाते हैं धर्मा प्रोडक्शन को। आगे बात करते हैं रियलिटी शो की। अगर हम बात करें तो सिद्धार्थ ने कई रियलिटी शो में काम भी किया हुआ है, जिसमें आप देखेंगे 2013 में झलक दिखला जा, उन्होंने डांस के जरिए दर्शकों को काफी दिल भी जीता था। इसके अलावा 2016 में इन्होंने फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी 7 में भी हिस्सा लिया था। पहले तो यह शो में एलिमिनेट हो गए थे, लेकिन बाद में वाइल्ड कार्ड एंट्री के बाद इस सीजन में उन्होंने जीत भी हासिल की हुई थी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि एक गेस्ट के रूम में कॉमेडी नाइट्स इंडियाज गॉट टैलेंट सेक्स बिग बॉस 9 का हिस्सा भी बन चुके हैं। कौन? सिद्धार्थ शुक्ला। और इसके अलावा आप देखेंगे तो 2019 में यह बिग बॉस सीजन 13 यानी कि 13 में नजर आई थी, और यह काफी पॉपुलर एक्टर भी है जिन्होंने बिग बॉस 2019 को जीत भी लिया था। सिद्धार्थ शुक्ला ने 2014-15 तक सावधान इंडिया में भी होस्ट के रूप में काम किया हुआ है। अगर हम इनकी वेब सीरीज की बात करें तो सिद्धार्थ शुक्ला की हाल ही में एक वेब सीरीज का ट्रेलर भी लॉन्च हुआ था, जिसका नाम था ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3। और यह वेब सीरीज ब्रोकन बट ब्यूटीफुल फ्रांचाइजी का तीसरा सीजन है। आप देखते ना रहते ना गेंगे, और आप एक तरह से एक सीजन के बाद दूसरी आती रहती है आपकी, तो उसी तरह से आपकी ये भी है। ट्रेजर देखने के बाद दर्शक बेसब्री से हैंडसम हंक सिद्धार्थ शुक्ला को पर्दे पर देखने का इंतजार कर रहे हैं। और इस वेब सीरीज में सिद्धार्थ के साथ उनकी सह कलाकार सोनिया राठी भी हैं। और यह वेब सीरीज ऑल्ट बालाजी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 19 मई को रिलीज भी हो गई है। और इस वेब सीरीज में सिद्धार्थ के किरदार का नाम अगस्त राव है, जो कि एक आदर्शवादी अभिमानी और विद्रोही व्यक्ति हैं। और यह एक निर्देशक इसमें सोनिया के किरदार का नाम रूमी है। और इस वेब सीरीज में उन दोनों ने की टूटी प्रेम कहानी के बारे में बात की गई है, और मुझे लगता है कि आप सभी ने देखी भी होगी। और अगर हम लोग देखें इन्हें अवार्ड की बात करें यानी कि पुरस्कारों की अगर बात करें तो सिद्धार्थ एक बहुत ही होनहार अभिनेता थे, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए इन्होंने कई तरह के अवार्ड भी प्राप्त किए हुए। सबसे पहले सन 2012 में गोल्डन फेटल अवार्ड की दो कैटेगरी के लिए अवार्ड जीते, जिनमें मोस्ट लोकप्रिय फेस मेल बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल्स ऑन कलर्स शामिल है। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो 2013 में अपने अच्छे परफॉर्मेंस के लिए सिद्धार्थ को ITA अवार्ड 2013 भी मिला था। 2014 में जी गोल्ड अवार्ड्स जिन्होंने मोस्ट फिट एक्टर के तौर पर जीता था। 2014 में ही उन्होंने अपनी पहली फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग परफॉर्मेंस मेल के लिए भी अवार्ड हासिल किया था। और 2017 में इन्होंने मोस्ट स्टाइलिश एक्टर के लिए भी अवार्ड मिला था। तो आप समझ सकते हैं कि अच्छा कैरियर रहा होगा, अच्छा काम किया होगा, इसीलिए इतने सारे पुरस्कार मिले हुए हैं। अब आप देखिए इनसे कुछ विवाद भी जुड़े हुए हैं, फिलहाल अभी देख लीजिए आप लोग। तो आप देखेंगे कई बार ये विवादों में भी रहे हैं। एक बार आपने सुना होगा कि सिद्धार्थ शुक्ला मुंबई की सड़कों पर शराब पीकर कार ड्राइव कर रहे थे, और यह घटना न्यू ईयर की थी। उस वक्त ट्रैफिक पुलिस ने इन पर 2000 रुपये का फाइन भी लगाया था, और वो पिक्चर भी आपने देखी होगी, बहुत वायरल भी हुई थी, लाइसेंस भी जब्त कर लिया था। वालिका वधू के सेट पर सिद्धार्थ का अपने अपनी को स्टार तोरल राजपूत के साथ काफी अनबन भी थी, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं। सिद्धार्थ की अपनी को स्टार रश्मि देसाई से बहुत तकरार होती रही। जब ये दोनों बिग बॉस में पहुंचे तब वहां भी दोनों में अच्छी खासी लड़ाई देखने को मिली, जो काफी बड़ा मुद्दा भी बन गई थी बिग बॉस में। मुझे कभी यही समझ में नहीं आता कि ये सीजन चलता है कैसे, क्योंकि आप देखते हैं कि एक दूसरे की अनबन वहां होती रहती है लड़ाई सी कभी कभी। तो मुझे लगता है कि यही टास्क रखा गया है क्या, कि ये लड़ना है आपको एक दूसरे से। तो ये कहानी आपके सिद्धार्थ शुक्ला की, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप लोग उनके अगर फैन होंगे, आपको पसंद होगा, तो आप सभी उनके बारे में बहुत विस्तार से जानते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऊपर वाले से दुआ करिए कि आत्मा को इनकी शांति मिले, क्योंकि जो हो चुका है वो हो चुका है। और आप भी अपने सभी लोग स्वास्थ्य का ध्यान रखा करिएगा, अच्छा खान पीन
अपने मतलब अपने हिसाब से देखते रहिएगा, ठीक है।